गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ जुम्बा क्लास। मेरा टाइम हो गया है और अभी मैं ना थोड़ा सा किचन में पानी गर्म कर रही हूँ कि थोड़ा पी के चलती हूँ और थोड़ा लेके भी चलती हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे जुम्बा करते हैं तो थोड़ा सा गला भी सूखने लग जाता है। तो 2 दिन से नहीं लेके जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि गला लेके जाना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि चलो पानी लेके चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ जुम्बा क्लास से और अभी मैंने ग्रीन टी भी बना ली है अपने लिए, पानी पी लिया है। इशू उठ गया है मैंने ब्रश कर लिया है। तो अभी मैं हूँ किचन में और मैं देखिए सब्जी कटिंग कर रही हूँ, सब्जी कट करके, और फिर थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ। आप मैंने कर लिया है ब्रश, तो अब मैं नाश्ता करूंगा। साई को सर्दी हो गई है ना? नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, फिर थोड़ा खेलूंगा। अभी सब कर रहे हैं नाश्ता और बच्चे भी कर रहे हैं। इशू कर रहा है इधर इधर, साई भी है, मेरा हस्बैंड भी अपना खा ही रहे हैं। तो अभी ईशान जा रहा है अपने मेजरमेंट देने के लिए, मेजरमेंट दिलवा के घर पे छोड़ देंगे। और अभी देखो साई भी चढ़ गया है कि उसको भी घूमना है, तो 1 राउंड मारेगा वो भी। साई को स्टार्ट करनी है गाड़ी। साई कॉम करता हुआ आ रहा। बाय। अब दादी चले गए ऑफिस, तो भैया अपना कुछ सामान ले रहा है, कपड़े पके। तो दादी अपना ऑफिस का बैग छोड़ रहे हैं लग कर, तो तब आएंगे वो, तब वो ऑफिस आएंगे, तब तो उनके ऑफिस आ गए दादी। अब हम कह रहे पापा यहाँ देते हैं, अभी मुझे ट्यूशन भी पढ़ना। ट्यूशन करने के बाद दिमाग की करा क्या, मेरा होमवर्क भी नहीं। दीदी आती होगी बस। हम जा रहे हैं रेडी होके मम्मी के घर, तो पापा भी हमारे साथ जा रहा है। तो अभी मैं हूँ किचन में और मैंने ना सब्जी बनाने रख दी है। अभी सब्जी बन जाएगी। अब मैं गूंद लेती हूँ आटा। आटा गूंदने के बाद मैं ना मैंने डोसे के लिए चावल को गला के रखा हुआ है। ये चावल मैंने सोख करके रखे हुए थे रात भर के लिए, तो अभी हो गए हैं। अभी मैं कर देती हूँ मिक्सर में, मतलब पीस के रख देती हूँ, जिससे कि हमारा डोसा इडली जो भी हमको बनाना है फिर वो हमारा बन पाए। तो मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो नहा लेती हूँ पहले, हो जाती हूँ फ्रेश, अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी मेरा किचन में सब्जी बन गया है, आटा गूंद गया है, और अभी मैं कर रही हूँ बैटर अपना बनाने की तैयारी। देखिए अभी इसमें चावल डाली हूँ और अभी थोड़ी देर में सारा ये बैटर पीस के रख दूंगी मैं। अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और बच्चों को दे देती हूँ, और हस्बैंड भी आ चुके हैं तो उनको भी खिला देती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपको। ये देखो तो दोस्तों अभी हम उठ गए हैं शो के, और 5 बज गया है सोते सोते। तो खाना खा के ना थोड़ा सा फोन वोन देखने लग गए थे, तो फोन देख देखते फिर बोलिए सो जाते हैं, तो सो गए थे। अभी भी उठे, 5 बज गया, मतलब 1 घंटा सो लिए वैसे। दोस्तों अभी मैंने पी ली है चाय और अभी मैं कर लेती हूँ कॉम थोड़ा सा, कंघी वंघी करके थोड़ा बाहर चलते हैं निकल के, बहुत दिन से गए नहीं है तो चलते हैं, साई को भी ले चलते हैं। और मैं नहीं जाती हूँ तो साई भी अपने मन से जाता ही नहीं है, कभी कभी निकलता है नहीं, बाकी नहीं निकलता। तो देखो आज हमारा व्यू हमारे साथ है, शाम का टाइम हो रहा है, हम थोड़ा सा घूम रहे थे तो ब्लॉग थोड़ा सा आगे बनाया नहीं, अभी बना रहे हैं थोड़ा सा। फ़ोन लेके आई, अंदर रख दिया था चार्जिंग पर, चार्ज हुआ नहीं था। और देखो साई वाई खेल रहे हैं और स्ट्रीट में बच्चे भी सारे साइकिल वाइकिल अभी तक चला ही रहे हैं। देखिए तो अभी हम भी ले आए हैं अपने रियू को। रियू 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 बच्चों को भी देख रहा है, भागते हुए आ रहे दोनों। शिव भी अपना चला रहा है साइकिल। रियू
रॉकेट की तरह उड़ रहा है, रॉकेट की तरह उड़ रहा है, ये क्या कह रहा है पार्क, रॉकेट की तरह उड़ रहा है ये, देखो कितना खुश हो रहा है। तो अभी हम आ गए हैं पार्थ के घर, देखो चाची के घर, चाची के घर, बच्चों की चाची है भाई, तो चाची के घर है। ये तो चाची है, पार्थू का बेटा है। पार्थू उनका बेटा है, कैसे पता तुमको? पता है। कैसे? पिकाकू करा। ये देखो रियू, रियू यू, साई तो खुश हो गया। देखो ये हमारा रियू, देखो लेकिन असली नाम है दारियान। अरे हम सबसे पहले बर्गर, क्योंकि वो बोल रहे हैं बर्गर के लिए, तो हम लोग बड़बिल गए थे तो वहाँ से बर्गर वगैरह ला देते थे। क्या गया, कुछ गिर गया बर्तन, चलो मैं बाद में देख लूँगी। ये देखिए बर्गर है, तो मैं पाव है मतलब, तो पाव को मैं बर्गर बना के और इन लोग को दे देती हूँ। और उसके बाद मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड, तो पहले मैं करती हूँ, पहले बच्चों को नाश्ता बना देती हूँ, फिर बाकी का आगे का काम करती हूँ। तो मैंने बर्गर की तैयारी पूरी कर ली है और आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने देखिए ये पाव को सेक के रखा हुआ है तवे पे, और मैंने ना टमाटो काटा है काफ बस, और चीज़ है, और ये मेयोनीज, और ये सॉस है, तो इसको मैं लगा के ना बनाती हूँ बर्गर, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। एक्चुअली स्लाइस वाली चीज़ लगाती थी, आज नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं इसी से काम चला लूँगी। तो मेरा बर्गर रेडी है, मैंने बच्चों को भी दे दिया, और ये देखिए मेरे लिए है, और इसमें मैंने ये लगाया है, और इसमें ना मैंने पत्ता लगाया है, पत्ता गोभी वाला, और टमाटो डाले। देखो कितने एंजॉय के साथ खा रहा है, यीशु को तो बहुत पसंद आती है सब चीज़ें। साई नहीं खा रहा है, बोल रहा है नहीं खाना है उसको, बाद में खाएगा, तो बाद में बना देंगे रेडी के साथ। बाद में भी नहीं खाऊंगा। बाद में भी नहीं खाओगे, ठीक है। दोस्तों देखो मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, और अभी मेरा काम हो गया है किचन का कंप्लीट, तो मैं कर देती हूँ कपड़े फोल्ड। तेरी झलक शरूफी शिवली ने नाम दरूफी। तो दोस्तों अभी मैंने कर लिए हैं अपने कपड़े फोल्ड, ये देखिए सारे मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, और साई मेरा मेरे साथ में बैठा रहा है इतनी देर। साई ना बहुत अच्छा बच्चा है, बदमाशी नहीं करता बिल्कुल। मैं तो मम्मी के हाथ पे बैठा हूँ। हाथ पे बैठो, देखो हाथ में ही बैठा है, देखो वास्तव में। देखो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि इसी से आपको मिलेंगे अगले नोटिफिकेशन जो मेरा न्यू ब्लॉग आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझे करते रहिए लाइक। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।